मनोज यादव जी का स्वागत, टीटू पहलवान जी, उमेश पहलवान, भूरा पहलवान, नरेंद्र नेताजी, अतुल पहलवान सभी अखाड़े पर पहुंचे मनोज यादव जी का स्वागत करने के लिए। दादर कमेटी के तरफ ये भीतर कौन पहुंचे हुए हैं, बाहर करो। अरे यार कुश्ती तो होने दो भाई, तीन तीन मिनट के दो राउंड होंगे, बीच में 30 सेकंड का रेस्ट। ये ग्राउंड में से भाई सब बाहर आ जाए, बैरिकेडिंग में कोई अंदर ना जाए, सब बाहर हो जाए, बैरिकेडिंग से सब बाहर हो जाए। एक मिनट में ही पहलवानों, हमारी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जो भी बैरिकेडिंग के अंदर पहुंचे हैं उन्हें कृपया करके बाहर करें। पुलिस प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सबको बैरिकेडिंग से बाहर कर दें, सिर्फ अंदर फ्री रहने दें। अपने आप को तैयार रखने महिला केसरी फाइनल की पहलवान अंशु तोमर बागपत और दिव्या सैन मुजफ्फरनगर। राम किशोर यादव जी इंडिया पूर्व एडवोकेट जनरल सुप्रिंटेंडेंट सुप्रीम कोर्ट एवं पूर्व दर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बीच में तैयार चुके हैं। दर्जा कमेटी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राम किशोर यादव जी पूर्व एडवोकेट जनरल सुप्रिंटेंडेंट सुप्रीम कोर्ट दर्जा पूर्व दर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। श्री राम किशोर यादव जी एडवोकेट जनरल सुप्रिंटेंडेंट पूर्व दर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। चार जीरो के स्कोर पर ये पुष्टि चल रही है बाबर और सुमित के बीच। भाई चाहे नहीं पहुंचो एक ही रहो, एक मालिश कर सकता है, एक गाइड कर सकता है, नियमों के अनुसार। खाओ
सभी सदस्य आगे से जो खड़े हैं राष्ट्र अध्यक्ष जी को कुश्ती देखने में असमर्थता हो रही है, आपके सामने से हट जाए। के सामने है ये बिल्कुल या तो साइड में अलग हट जाए या बैठ जाए आगे से। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, असमर्थता हो रही है, उन्हें आगे भी देखना पड़ता है। चार और पांच के स्कोर पर है मुकाबला, डेढ़ मिनट का समय अभी बाकी है। चार और पांच, चार अंक है बावन के, पांच अंक है सुमित के। चार और पांच के स्कोर पर चलता हुआ मुकाबला, अपनी रफ्तार से स्कोर भागता हुआ अपनी रफ्तार और ये नहीं आए समय फाइनल जो होगा यूपी केसरी का वो कपिल धामा और सुमित के बीच होगा। थोड़ी देर अब मैं निवेदन